के भैया इंग्लिश नहीं लिखे चाहे कामारी उल्लू के पट्टे कहे हमने दारू का थम गया था तेरे हिंदी बनाओ मेरे तुम साले किसी भट्टे से ईंट का आटा लाकर मेरे मुनीम के भतीजे अगर अपनी जमीन को नहीं बेचे तो ठाकुर भूपेंद्र से जमीन को तुम्हारी जाती छीन लेंगे ये तुम्हारे हाथों से जमीन सब निकल जाएगी
वैसी राजनीति फेंकेंगे कैसी, वो अपनी सारी ठकुरत भूल जाएगा। ठकुरत नहीं, जिसे कहते सांप मर जाए लाठी टूटे नहीं। सही कहते हो। अरे जाल ऐसा फितरत का बिछाऊंगा। क्या लाला? बोलो। एक बात मेरी कान खोल कर सुन। कौन सी बात? तो आज जाकर लगाओ मेरे खलिहान में। और सोच ले इसके खबर किसी को ना हो, आग लगी है। ठाकुर जमींदार था
बहुत लापरवाही करते हो, तो उन लोग के पट्टे सुबह से काम करते हो, कहां थे? आप तो गैर पट्टी ड्यूटी कर रहे थे सर। जी सर, मुझे तो नहीं तुम दिखाई दिए गेट पे। नहीं सर, बहुत लापरवाही करते हो, उनके पट्टे सुबह नहीं सर, आप आ गए और हमने पीछे से आ गए। चौकीदार जी सर, तुम्हें नहीं मालूम? जी देखो, जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं सुंदर के नाम से, पुलिस की नाकों में दम कर रखा है। क्या बात, इशारा गिरोह का गिरोह। हमारे भी ऊपर सवाल जवाब होते हैं जी, क्या कहना है चौकीदार? मतलब
पहले का मतलब अगर रायपुर में तुम्हारे होते हुए इसी तरीके से दंगा फसाद होता रहा तो हम ठाकुरों का क्या होगा? क्या कहा मेरे यार मेरे तो दंगा फसाद ऐसी किसकी मजाल है? हमारे होते हुए मेरे दोस्त बोलो कौन है वो दंगा फसाद करने वाला? हम बताएंगे। बोलो देखी नहीं गई, मेरे खलिहान में आग लगा दिया, मेरी सारी फसल जलकर राख हो गई। मेरे दोस्त कातिल रणवीर सिंह की ये मचाल जो खलिहान में आग लगा दिया, मेरे दोस्त चिंता करने से कोई वापस तो नहीं मिल जाएगा। इसकी इसी वक्त होना चाहिए, इसमें तरसा मेरे दोस्त फिक्र मत करो। रिपोर्ट लिखी जाए और ठाकुर रणवीर सिंह के मकान पे तुरंत छापा मारे। फिक्र मत करो मेरे यार, चौकीदार दीवान जी फटाफट एफआईआर दर्ज करो। मेरे दोस्त देखो मैं कैसे लिखो और पढ़ा लिखा है रे मेरे यार। मेरे दोस्त आज ऊंट पहाड़ के नीचे आया, चलो चलो देखो ये मकान। हाँ यही सामने जो मकान दिखा है, आवाज दो, आवाज साले गणगिरवा को दो, चलो चलो अंदर घुसो। ठाकुर रणवीर सिंह, ए रणवीर सिंह, ए शाला चरबैया का राव कर रहा है, ए साहब चरबैया पर आराम से सो रहा है और तुम्हारी बात को बिल्कुल नहीं सुन रहा। सर रणवीर ये ऐसे नहीं सुनेगा जी, चलो साले की चारपाई तोड़ दो जी, अंदर प्रवेश हो। जैसे के साहब आइए, अब हमें सब अपने मन खोलते अब हम देखे चुके अपना कोई नहीं अचानक। सकल तुम्हारी बहुत भोली भाली दिख रही।
मुंशी जी बहुत साले गुंडागर्दी करते हो मादर छोर याशी करते मातर चोर गुंडा गर्दी करते हो गाली मत देना अरे मैंने थे कोई Thank you.
हैं। तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारे स्वामी है ये। मेरे स्वामी ने ऐसी कौन सी गलती कर दी? अखिल मेरे स्वामी का क्या कसूर है? रो रही हो? कसूर बताऊंगा। हाँ रो रही हो करो जो नसीब में लिखा हो। लेकिन क्या साहब, लेकिन का कारण भी बताएंगे कमला। जाओ अभी तक कल 5,000 रुपए की व्यवस्था बना सकती हो तो बना लाओ। हमें पैसे चाहिए पैसे। स्वामी 5,000 रुपए स्वामी कहां से लाऊं? चिंता मत करो तुम अंदर जाओ। ठीक है जाओ। 10 घंटे का टाइम है। अगर नहीं लाओगे तो कमला इसका चालान भेज देंगे। चालान मत भेजना साहब, मैं बहुत जल्दी 5,000 रुपए लेके आऊंगी साहब। अखिल मेरे पति को मारना मत साहब। तुम घर जाओ कमला, तुम जाओ। अरे हम तुम्हारे पति को नहीं मारेंगे। बाइज्जत रखेंगे। हाँ जाओ। लेकिन ठहरो ठहरो कमला, पैसे की व्यवस्था बनाकर यहाँ थाने नहीं आओगी, तुम हमारे क्वार्टर आओगी। क्वार्टर जी हाँ, 5,000 रुपए की व्यवस्था बनाकर अहियों में चलो। जाओ 10 घंटे का टाइम है तुम्हारे पास कमला। 10 घंटे का मैं बताऊंगी। हे भगवान, ये तो 5,000 रुपए भगवान कहां से लाऊं? हे भगवान, उस सर पर दीन विपत्तियां है कैसे मैं तुम्हें